ये जूनागढ़ में बौद्ध गुफाएं हैं, और इन बौद्ध गुफाओं के एरिया के हिसाब से आप देखें तो इस तरह से ये चलता है। वाटर स्टोरेज देयर, पानी को किस तरह से ये संरक्षित करते थे ये लोग। और क्योंकि ये संरक्षित स्थान है इसलिए यहाँ पे नहीं जाने देते होंगे, और नहीं जाने के कारण दूसरा इसमें बुरुस नहीं चला सकते, तो इसलिए सफाई नहीं होती है इसमें। ये नीली हरी काई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत सारे संख्या में इधर में डेवलप हुए हैं। तो अभी ये यहाँ पर रेनी सीजन है, और रेनी सीजन के कारण में आप क्लोज व्यू देख सकते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नीली हरी काई और ये सब दिख रहा है, और ये बहुत गुफाओं के साथ में ये बहुत सारा जो पेड़ है पौधे वो भी लग जाते हैं। लेकिन कुछ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा उनके उसमें होना चाहिए कि भाई किस तरह से इसको संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है इसको। नहीं तो इसमें डैमेज कंडीशन में दीवार जा रही हैं, तो जो दीवारें डैमेज में जाएंगी और फिर उनको संरक्षित करना मुश्किल होगा। ये सब पत्थर है, चूना है, पत्थर 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 है, पहाड़ काट के बनाया पहाड़ काट के बनाया है। तो पत्थर है।